गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यू जनरल नॉलेज एक्टिविटी बुक। व्हाट इज द डेट टुडे? आई अ डेट और आज डे कौन सा है? रहती है क्या? की बारी थी। यू आर एस ओके वेरी गुड। ओके टेक आउट योर एक्टिविटी बुक। लर्न कर रही है जो कल मैं पढ़ा रही थी। मैम पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 3333। इन कॉलेज करी आप लोगों ने? परवरिश आपने बुक ओपन कर ली जनरल नॉलेज की एक्टिविटी वाली पेज नंबर 3434? यस मैम। ओके परवरिश गुड। आयुष कुमार रावत वीडियो ओपन करो। तो हमें क्या करना है इसमें? हमें यहाँ पे प्लांट्स बने हुए हैं और उनको क्या करना है? नेम करना है, ठीक है? और हमें सबसे पहले पहला जो कॉलम बना है ये वाला, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमको वाला स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? और फर्स्ट कॉलम है उसके स्टार्स के नाम को अरेंज करना है। क्लास करके डाल लीजिए। मैंगो ट्री बनी है, क्लाइंबर बना है, फ्लावर का प्लांट बना है, फिर पंपकिन का बना है, फिर बैनियन ट्री है और फिर कोकोनट। इसके मतलब होता है आई। रूप रूप से जल होता है, प्लांट
को हिंदी का मतलब तो सबसे पहला ट्री है ओके ऐसे उसमें फ्रूट्स है ना कुछ कुछ कौन सी ट्री है बताएंगे रोज प्लांट किसने किसने देखा है आरव ने रोज प्लांट पे ऐसे स्टेम होती है नहीं होती है कहां इतनी मोटी उसकी स्टेम होती है नहीं रोज प्लांट कैसा होता है ऐसे पतला सा होता है ना इतनी इतनी मोटी उसकी स्टेम होती है नहीं होती है लीफ होती है लीफ होती है यस जैसे देखिए ये तो मैंगो ट्री की स्टेम एकदम चौड़ी और एकदम स्ट्रॉन्ग होती है रोज प्लांट कैसा होता है पतला सा ऐसे होता है इसमें ऐसे ऐसे करके और रोज प्लांट बने होते हैं ऐसे ही होता है ना रोज की स्टेम मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती है हमें क्या करना है जिन प्लांट की स्टेम स्ट्रॉन्ग है उनमें टिक करना है तो रोज प्लांट को क्या करना है फिर से
क्रॉस करना है, ये देखिए तो कट कर। अब नेक्स्ट है देखिए पंपकिन प्लांट, तो ये भी इसमें भी स्टेप ऐसी स्टेप है पंपकिन प्लांट पे। मैं ताकतवर ऐसी स्टेप कहाँ है, वो तो डायरेक्ट जमीन से निकल रहा है ना, ध्यान से देखिए उसमें इतनी मोटी स्टेम कहाँ है, वो तो डायरेक्ट जमीन से निकल रहा है, लीफ है उसमें। तो इसको क्रॉस करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? नो मैम। यस बैनियन ट्री तो स्ट्रॉन्ग है, इसमें देखिए इसमें इतनी मोटी स्टेम है और इतना वो है, इसके नीचे देखिए इसकी जड़ इतनी मजबूत है, तो बैनियन ट्री स्ट्रॉन्ग ट्री है ये देखिए। बाकी सब ये सब तो लीफ वाली ट्रीज है ना, ये तो डायरेक्ट जमीन से उगती है, इसको जड़ की जरूरत नहीं होती है। जैसे ये पेड़ का जड़ होता है, ट्री का स्टेम होता है, जिसमें ये होता है वो पेड़ स्ट्रांग होते हैं, ये मतलब इनको आप उखाड़ नहीं सकते हैं। पर जो प्लांट्स डायरेक्ट ऐसे जमीन में ऐसे बस ऐसे लीफी लीफ की तरह ऐसे उगते हैं और उसमें फ्रूट्स निकलते हैं या पंपकिन निकलता है, वो वाले प्लांट्स को मतलब उखाड़ना इजी होता है। अच्छा आप ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए ये पंपकिन का है, ठीक है ये पंपकिन है हमारा, ठीक है ये पंपकिन का है, अगर आप उखाड़ना चाहेंगे तो इसको आप ऐसे करके तुरंत उखाड़ेंगे ना, बट अगर इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग पेड़ है इसको आप उखाड़ना चाहेंगे तो इसको तो नहीं उखाड़ पाएंगे, है कि नहीं? Yes. तो जिस पेड़ में ऐसी चौड़ी स्टेम होती है उसको आप नहीं उखाड़ सकते। आप जैसे रोज प्लांट आपके घर में लगा है, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो रोज निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में इस टाइप का जैसे सड़क पे इस टाइप के रोड पे इस टाइप के ट्रीज होते हैं, इनको आप नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे नहीं, ठीक है? तो जो स्टेम वाले ट्रीज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जैसे डायरेक्ट लीफी वाले जो ट्रीज होते हैं वो कमजोर, मतलब कमजोर नहीं बट हाँ उनको निकालना मुश्किल होता है, इनको नहीं निकाल सकते। तो बैनियन ट्री पे टिक करिए। अब नेक्स्ट है देखिए कोकोनट ट्री, तो कोकोनट ट्री देखिए नहीं निकाल सकते कोकोनट ट्री को भी, क्यों? क्योंकि उसमें स्टेम है, नहीं स्टेम। मैं पंपकिन को क्रॉस करें? नहीं हाँ नहीं, बैनियन ट्री को टिक करोगे ना बेटा स्पॉट, तो अब कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री का देखिए इसमें भी सीढ़ी बना, इसकी स्टेम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मम्मी ये देखो क्या इसमें से देखो क्यों के लोग ठीक है, तो इसकी स्टेम क्या होती है देखिए, इतनी चौड़ी है, नीचे पूरा ऐसे जड़ से लगी हुई है, तो क्या हुई है स्ट्रॉन्ग हुई, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग हो गई। हाँ ठीक है, ठीक है, ये स्टेम मजबूत है तो ये स्टिक हुआ। अब ये डायरेक्ट जमीन से लीफी वाला निकला तो ये क्रॉस हुआ। अब ये रोज प्लांट है ये भी डायरेक्ट जमीन से लीफी वाला निकला, क्रॉस हुआ। ये पंपकिन है ये भी डायरेक्ट जमीन से लीफी वाला निकला, क्रॉस हुआ। बैनियन ट्री है इसमें मजबूत स्टेम है तो ये टिक हुआ। अब ये कोकोनट ट्री है इसमें भी स्ट्रॉन्ग स्टेम है तो ये टिक हुआ, ठीक है? हो गया मैम, यस मैम,
जितने ऐसे पार्टे होते हैं
सबको समझ आया? ठीक है, अब आप बताइए पहला व्यंजन उग रहा है डायरेक्ट दिख रही है जैसे कैसे लिखा नीचे ले जा रही ऊपर से लाइन टच करके लिखू ना आर लिखो देखिए क्या बनी है ये तो सबको पता होगा ये कौन सा प्लांट है गणेश बेटा लिखो और आन्या आप भी बुक जल्दी से जल्दी ले लो ऐसी बैठी रहते हो क्या काम कर रहे हो कैमरा बंद है बेटा माइक भी ऑफ है ऑन करिए इसको ग्रास बोलते हैं जो ऐसे उनको क्या बोलते हैं ग्रास यस मैम आपने अपनी बुक दिखाई है पहले परवरिश मैम हो गया पेज नंबर ठीक है बेटा लिख रहे हो इसमें आपने क्लाइंबर लिखा इसमें आपने क्रीपर लिखा ट्री लिखा हर्ब लिखा अब उसमें नीचे ग्रास लिखिए ये देखिए यहाँ पे ग्रास लिखिए परवरिश यहाँ पे ग्रास लिखिए ERASS ग्रास के बगल में बताइए कौन सा पेड़ है जो क्लाइंब करके ग्रो करता है क्लाइंबर CLIMBER तो डाल दी CLIMBER क्लाइंबर I
एम बी पी बी बी मैम पसंद है ये वाला और यहाँ लिखो यस यस और बी हाँ तो दीदी आता नीचे क्या है नीचे और अरे वो कर लो देखो उसको और इसके भी लिखना है ठीक है आप देखिए कर बताएगा रोज रोज चौथा है ग्रास पांचवा है क्लाइम
ये हो गया क्रीपर, ये हर्ब, ये ट्री, ये ग्रास, ये क्लाइंबर और ये श्रब। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में नंबर आप 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला है, देखिए बोर्ड पे लिखा है रोज लिली। हो गया है मैम, लास्ट वाला हो गया है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताना है कॉपी शो करो बेटा, बुक शो करो अपनी। शो करते हैं सिंसी, जल्दी करो बेटा। मैम देखिए, वेरी गुड सिंसी। ठीक है, अब मुझे तनिष्ठा वेरी गुड तनिष्ठा, आरव शो करिए। वेरी गुड आराध्या, वेरी गुड आयुष कुमार, वेरी गुड वेरी गुड आरव। ने देखिए कितना सुंदर लिखा है, वेरी गुड आरव, वेरी गुड आयुष कुमार रावत और वंश आप भी दिखाइए। अरे वाह, आरुष ने भी कर लिया, वेरी गुड आरुष। वंश आप भी शो करिए। शशांक, परवरिश, वेरी गुड सिया। वेरी गुड परवरिश, वेरी गुड शशांक, वेरी गुड सिया। ओके, सबने शो कर लिया। ओके वेरी गुड, सबने, वंश ने भी दिखा दिया, वेरी गुड वंश। वंश तो सिर्फ फैन दिखाता है। परवरिश वेरी गुड, देख लिया मैंने बेटा। ओके ठीक है, अब आपकी क्लास फिनिश होने का टाइम है। ओके